Hello, welcome to beingguru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called F-test. तो ये F-test का हमारा third video है. इसके पहले वाले दो video में हमने देखा है कि F distribution क्या होता है और उसकी कुछ properties देखी थी हमने, है ना. और second video में हमने देखा था कि F-test का introduction और numerical formula क्या होता है, ठीक है. अब इस वीडियो में देखेंगे कि F-test के numerical problem solve कैसे करना है. तो आप इसके पहले जो वीडियो नंबर 2 है वो जरूर देखिए, जिससे आपको इजीली कंसेप्ट समझ में आएगा कि F-test का फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, ठीक है. अब देखिए, अभी हमको क्वेश्चन नंबर 1 आपको देके रखा है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देके रखा है आपको कि आपको दो ग्रुप देके रखे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी. तो ग्रुप ए में वैल्यूज दिए, ग्रुप बी में वैल्यूज दिए, है ना. और आपको टेस्ट करना है पॉपुलेशन वेरिएंस इक्वल है कि नहीं है, कितने लेवल पे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हम जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या मानेंगे, सबसे पहले कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस एच नॉट है उसमें क्या मान लेंगे कि दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो कैसा है, इक्वल है, है ना. हम ये मानेंगे हमारी नल हाइपोथेसिस कि दोनों पॉपुलेशन का वेरिएंस कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है. अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन है वो क्या मानेंगे यहाँ पे कि दोनों पॉपुलेशन का वेरियंस इक्वल नहीं है. मतलब एक स्टेप पर टेस्ट हो गया हमारा, टू टेल टेस्ट हो गया, ठीक है. बट हमने देखा था जो वीडियो नंबर 1 था एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी में, उसमें हमने देखा था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में केवल सिंगल टेल की आपको वैल्यू देके रखी टेबल में, एफ टेबल के अंदर. तो टू टेल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो हम इस वीडियो में देखते हैं. तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले x1 x2 दिया है. अब हम सबसे पहले निकालेंगे मीन निकालेंगे और वेरियंस निकालेंगे, है ना, इन ग्रुप्स का. तो x1 का अगर मैं टोटल करूँ तो सबमिशन ऑफ x1 आएगा. तो x1 का जो टोटल आ रहा है वो आपको जोड़ने पे आएगा 333. सिमिलरली अगर मैं x2 का टोटल करूंगा तो x2 का जो टोटल आएगा वो आएगा x2 इक्वल्स टू, वो टोटल आएगा आपका 238 आएगा, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इससे सैंपल वन और ग्रुप ए और ग्रुप बी का मीन निकाल लेंगे, है ना. तो मीन हमने निकाला x bar 1, मतलब ये ग्रुप ए का मीन. तो फॉर्मूला क्या होगा, सबमिशन x1 डिवाइडेड बाय n1. तो सबमिशन x1 कितना है, 333 है. और n1 हम बोले सैंपल, तो सैंपल में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एलिमेंट है. उसको डिवाइड कर देंगे 9 से. जब 333 को मैंने डिवाइड किया 9 से तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मीन 37 मिलेगा. मतलब पहले सैंपल का जो मीन है वो 37 आ गया. सिमिलरली x बार 2 निकाला मैंने, है ना, सेकंड सैंपल का मीन. तो जब मैंने सेकंड सैंपल का मीन निकाला जिसको मैंने बोला x बार 2, तो वो कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला होगा सबमिशन x2 डिवाइडेड बाय n2. तो x2 का हमने टोटल देखा तो कितना दिया है यहाँ पे आपको, 238 दिया है डिवाइडेड बाय n2. तो सैंपल साइज देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7. तो सैंपल साइज कितनी यहाँ पे, 7 की है. सैंपल साइज यहाँ पे 7 की है. एक यहाँ पे मिस्टेक छोटी सी है, 28 लिखना है इसको आपको, है ना, 28 है ना. अब टोटल आपका 238 आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे x bar 2 कितना दिया आपको, x bar 2 आपको देख रखा है यहाँ पे submission x2 divided by n2. तो कितना हुआ ये, 238. और n2 कितना देख रखा है आपको, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7. तो divided by 7 होगा. तो 238 को जब मैं 7 से divide करूँगा तो मुझे value कितनी मिलेगी यहाँ पे, 34 मिलेगी, ठीक है. ये मेरा मीन आ गया. अब मुझे वेरियंस निकालना है. तो वेरियंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले x1 minus x1 bar निकालूंगा और फिर x1 minus x1 bar का होल स्क्वायर. मतलब इन सैंपल का, इन सैंपल के मीन से करूंगा मैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन निकालूंगा, ठीक है, दोनों सैंपल का. और सेकंड में क्या करेंगे अपन, x2 minus x2 bar और फिर x2 minus x2 bar का होल स्क्वायर, ठीक है. तो जब मैंने x1 minus x1 bar किया तो देखिए x1 minus x1 bar, तो x1 bar कितना देख रखा हमारे को, 37 आया. तो x1 minus 37 करेंगे तो देखिए 18 माइनस 37 करा तो -19, 20 माइनस 37 करा -17, 36 माइनस 37 करा -1, 50 माइनस 37 करा 13, 49 माइनस 37 करा 12, 36 माइनस 37 -1, 34 माइनस 37 -3, 49 माइनस 37 करा हमने तो 12 आ जाएगा. और 41 माइनस 37 करा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है. अब जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 19 का अगर मैंने स्क्वायर करा -19 का तो जाएगा 361, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, -1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16, ठीक है. तो जब मैं इसका टोटल करूंगा सबमिशन ऑफ x1 minus x1 bar का होल स्क्वायर, जब मैं इसका टोटल करा तो टोटल करने पे ये सम आएगा आपके पास कुछ 1134, ठीक है. इसका टोटल आएगा 1134, ठीक है.
अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे यहाँ पे x2 - x2 बार, तो x2 बार 34 है, तो यहाँ क्या जाएगा x2 - 34, तो 29 - 34 करा तो -5, 28 - 34 करा -6, 26 - 34 करा -8, 35 - 34 1, 30 - 34 -4, 44 - 34 10, 46 - 34 यह जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करा तो -5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसका सम करेंगे तो सम करने पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 386, दैट इज समेशन ऑफ x2 - x2 बार का होल स्क्वायर, इसका सम आएगा 386। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दो अलग अलग वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरियंस निकालेंगे। तो देखिए जब हम वेरियंस निकाल रहे हैं तो वेरियंस का फॉर्मूला हम देखते हैं, फर्स्ट सैंपल का वेरियंस निकालेंगे, तो वेरियंस का फॉर्मूला क्या होगा, s1 square equals to summation of x1 minus x1 bar का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 - 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं summation of x1 - x1 bar का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1134, तो यहाँ लिखते हैं हमने 1134 डिवाइडेड बाय n1 - 1, तो n1 9 है तो जाएगा 9 - 1 दैट इज 8 हो जाएगा। तो जब मैं 1134 को 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एस वन स्क्वायर पहला वेरियंस मिलेगा जो आएगा 141.75। तो ये पहले सैंपल का वेरियंस आ गया है ना, ग्रुप ए का वेरियंस। ऐसी मुझे वेरियंस निकालना है सेकंड सैंपल का, तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा उसका, वेरियंस एस टू स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या रहेगा, सबमिशन ऑफ एक्स टू माइनस एक्स टू बार का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे एन टू माइनस वन हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे x2 - x2 बार का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 386 दी है सेकंड सैंपल में, तो यह रहेगा 386, n2 कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 - 1 मतलब 386 से डिवाइड होगा यहाँ पे 6 से डिवाइड होगा, तो जो s2 स्क्वायर है वो हम देखें जब 386 को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 64.33। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लेते हैं, तो जो सैंपल वन है उसका अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं जिसको हम न्यू वन बोलते हैं तो वो कितना आएगा n1 - 1 दैट इज 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, और जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा न्यू टू तो वो कितना आएगा n2 - 1 दैट इज 7 - 1 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा था जो एफ टेस्ट वो लगाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एफ टेस्ट में आपको बता चुका हूं मैं कि जब भी हम एफ टेस्ट लगाते हैं तो जो भी लार्जर वेरियंस रहता है हम उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें लार्जर वेरियंस S1 S2 में से किसका आ रहा है, तो दोनों सिंपल में से लार्जर वेरियंस S1 का आ रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे F टेस्ट, फिर यहाँ पे क्या आएगा S1 स्क्वायर ऊपर आएगा और S2 स्क्वायर नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि F की वैल्यू को 1 से बड़ी चाहिए इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे लार्जर वेरियंस को ऊपर रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जो भी वेरियंस ऊपर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आएगी, तो वेरियंस S1 ऊपर है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 8, कॉमा वेरियंस S2 नीचे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 6, तो ये 8.6 पे हम वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगी s1 square by s2 square दैट इज, ये वैल्यू कितनी होगी 141.75, और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे यहाँ पे 64.33 से डिवाइड कर देंगे, तो 141.75 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 64.33, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.203। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको बोला था कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है हमें वो कितना करना है यहाँ पे 5% करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम अल्फा बोलते हैं वो कितना दिया 0.05, इसका मतलब ये वैल्यू किस लिए हमारी कैलकुलेटेड एफ आ गया, कितने लेवल पे 0.05 लेवल पे है ना, कितने लेवल पे 0.05 पे है और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 8.6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे इसकी वैल्यू आई 2.203। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टेबल की वैल्यू लिखेंगे, तो ध्यान से देखना हम निकालेंगे टेबुलेटेड एफ, टेबुलेटेड एफ कितने लेवल पे निकालेंगे 5% पे, बट यहाँ पे टेस्ट है हमारा टू टेल टेस्ट, तो हमारा जो अल्फा रहेगा वो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं टू टेल टेस्ट की बात करूंगा तो हम क्या करेंगे अल्फा बाय 2 पे वैल्यू निकालेंगे, तो हम जो एफ टेबल दिया रहेगा 0.025 का मतलब 2.5% वैल्यू के लिए एफ टेबल दिया रहेगा उसमें से टू टेल टेस्ट की वैल्यू लिखेंगे। अगर हमारा अल्फा 5% है तो हम क्या करेंगे
इस 5% को डिवाइड कर देंगे 2 से, दैट मींस अल्फा बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5%। तो जो 2.5% वाला एफ टेबल दिया है उसमें हम वैल्यू देखेंगे। न्यूमरेटर दिया है आपको कॉलम वाइज तो आप देखना 8, और डिनोमिनेटर दिया है रो वाइज दैट इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इनके इंटरसेक्शन जो वैल्यू आई वो वैल्यू हम लेंगे। तो हम यहाँ पे टेबुलेटेड वैल्यू एफ की किस पे निकालेंगे, अल्फा बाय 2 पे निकालेंगे, कितने डिग्री पे, 8.6 पे। तो अल्फा बाय 2 मतलब कितना होगा 0.025। अल्फा बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा टेस्ट कैसा है, यहाँ पे टू टेल टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, अगर मैं वैल्यू देखूं 8.6 पे 0.025 की, तो आप टेबल से इसकी जब वैल्यू देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.60, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कंपेयर करने पे कि जो कैलकुलेटेड एफ है और जो टेबुलेटेड एफ है, अगर हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करें तो कैलकुलेटेड एफ क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है किससे, टेबल एफ से, क्योंकि 2.2 छोटा है 5.6 है। तो इसका मतलब जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या रहेगा कि दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, मतलब दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये रहे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट सैंपल गिव द फॉलोइंग रिजल्ट। तो आपको दो सैंपल दिए, दोनों सैंपल के अलग-अलग साइज दिए, सैंपल के मीन दिए और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन दिया है मीन से, ठीक है। तो हमें इक्वालिटी करना है सैंपल की कितने पे 5% इक्वालिटी करना है सैंपल वेरिएंसी कितने पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि जो दोनों सैंपल है उस पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस कैसे है, इक्वल है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच वन है वो क्या हो जाएगा कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट है वो कैसा लगेगा, यहाँ पे टू टेल टेस्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लगेगा टू टेल टेस्ट। अब हम यहाँ देखते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए हम क्वेश्चन में देखें तो सैंपल 1 की साइज दैट इज n1 आपको दिया हुआ है, n2 आपको दिया हुआ है 13, सैंपल मीन पहले सैंपल का x bar 1 ये दिया है, x bar 2 आपको 14 दिया है। अब बोला सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, है ना, ये होता सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। ये सब चीजें आपको गिवन है। तो जब हम एफ टेस्ट लगाएंगे तो उसके पहले मुझे क्या निकालना रहता है, सबसे पहले वेरिएंस निकालना रहेगा। तो हम यहाँ निकालेंगे वेरिएंस, तो क्या होगा देखते हैं हम। तो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप निकालेंगे हम या फर्स्ट सैंपल, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, s1 स्क्वायर इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। तो हम देखें सबमिशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर कितना है, 90 है, और n1 कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 माइनस 1 तो 90 बाय 9 करेंगे तो ये कितना रहेगा यहाँ पे s1 स्क्वायर 10 आ जाएगा। अब फर्स्ट सैंपल के अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूं दैट इज न्यू 1, तो ये कितनी आएगी n1 माइनस 1 दैट इज कितना हो जाएगा ये 10 माइनस 1 दैट इज ये जाएगी 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब इसी में वेरियंस निकालूंगा सेकेंड सैंपल का, तो जब मैंने वेरियंस निकाला वेरियंस ऑफ सेकेंड सैंपल, तो सेकेंड सैंपल का वेरियंस क्या जाएगा यहाँ पे s2 स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना आएगा सबमिशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा n2 माइनस 1। तो यहाँ हम देखें सबमिशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 108 है, और जब मैं डिवाइड करूंगा n2 माइनस 1 तो n2 कितना है 13 दैट इज 13 माइनस 1 12 होगा। तो 108 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब जब भी हम एफ टेस्ट लगाते हैं तो आपको बताया था एफ टेस्ट जब भी हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो भी वेरिएंस लार्जर रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखें s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर दो वेरिएंस है, इसमें से लार्जर क्या आ रहा है s1 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे एफ टेस्ट के फॉर्मूले में s1 स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और s2 स्क्वायर नीचे लिखेंगे क्योंकि f की वैल्यू में 1 से बड़ी चाहिए रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो भी लार्जर वेरिएंस ऊपर लिखते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिखते हैं। तो लार्जर वेरिएंस s1 है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 9 है, स्मॉलर वेरिएंस s2 है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, इसका निकालेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकाल सकते हैं इजीली, न्यू 2 कितना आ जाएगा ये n2 माइनस 1 दैट इज 12 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 12, ठीक। तो 9, 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम एफ टेस्ट निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी s1 है 10 और s2 है 9,
जब मैं 10 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो यह वैल्यू आई हमारी 1.11, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपको दिया है 0.05, इसका मतलब क्या हो गया, एफ की वैल्यू 0.05 पे और 9.12 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी आई हमारी 1.11। तो ये आ गई हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। अब हम देखते हैं टेबल वैल्यू ऑफ एफ क्या दी है। तो देखो जो टेबल वैल्यू ऑफ एफ है, टेबल वैल्यू ऑफ एफ है ना, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू टेल टेस्ट है तो हम अल्फा पे वैल्यू नहीं देखेंगे, है ना। एफ का जो टेबल है हम उसमें वैल्यू देखेंगे अल्फा बाय टू पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, यहाँ पे 5% है, तो अल्फा बाय टू में कितना होगा 0.025, है ना, अल्फा बाय टू पे। टू टेल टेस्ट है हमारे यहाँ पे, इसलिए हम वैल्यू किस पे देखेंगे, अल्फा बाय टू पे देखेंगे, ठीक है। तो अल्फा बाय टू का मतलब 0.05 को डिवाइड बाय टू कर देना तो कितना रहेगा 0.025। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा हमारा 9.12। तो एफ का जो टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उससे डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें देखिए आप न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम वाइज 9, डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम रो वाइज 12, तो दोनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू क्या आएगी एफ की, और वो वैल्यू कितनी आ रही है 3.44 आ रही है, ठीक है। अब हमें डिसीजन लेना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेटेड एफ है और जो टेबुलेटेड एफ है ना, अगर हम उसको कंपेयर करें तो कैलकुलेटेड एफ आ रहा है 1.11 और टेबल एफ आ रहा है 3.44। तो कैलकुलेटेड एफ छोटा है टेबल एफ से, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों सैंपल का वेरियंस क्या है, इक्वल है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सैंपल है उस पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिसके वेरियंस कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 3 में आपको ये बोला है, फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेंड फ्रॉम टू सैंपल ईच ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉपुलेशन ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन सीए के एग्जाम में आ चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिंपल देखते हैं कैसे करना है। तो दो पॉपुलेशन दिए ए और बी, और दोनों से हमने दो अलग अलग सैंपल निकाले। तो पहले का जो सैंपल साइज है वो कितना दिया आपको 16, दैट इज N1 कितना हो गया 16, और सेकंड का सैंपल साइज कितना हो गया 9 हो गया। पहले का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दैट इज S1 वो 3 हो गया, और सेकंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है S2 वो कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें टेस्ट क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्ट करना है कि जो वेरियंस है ब्रांड ए पॉपुलेशन का वो किससे ज्यादा है, ब्रांड बी पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों पॉपुलेशन का जो वेरियंस है ना, ब्रांड ए और ब्रांड बी पॉपुलेशन का जो वेरियंस है वो कैसा है, इक्वल है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब हम सॉल्यूशन में नल हाइपोथेसिस क्या मानेंगे कि सिग्मा स्क्वायर ए इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बी, मतलब दोनों पॉपुलेशन का जो वेरियंस है वो एक जैसा है। अब जो अल्टरनेटिव वो ध्यान से देखना, अल्टरनेटिव क्या आएगी यहाँ पे कि जो ब्रांड ए का वेरियंस है, सिग्मा स्क्वायर ए का जो वेरियंस है वो ज्यादा है किससे, ब्रांड बी के वेरियंस से। ये हमें टेस्ट करना है, ठीक है, मोर देन ब्रांड बी, इसलिए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ए ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर बी आया। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वन टेल टेस्ट, और इसको बोलेंगे हम राइट टेल टेस्ट, ठीक है, ये होगा हमारा राइट टेल, या इसको बोलेंगे वन टेल टेस्ट, ठीक। अब हम देखें यहाँ पे हमको सब कुछ गिवन ही है यहाँ पे, अब सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन एस वन दिया है, तो वेरियंस कैसे निकालेंगे हम, वेरियंस अगर मुझे निकालना है वेरियंस ऑफ सैंपल वन तो क्या हो जाएगा, एस वन का स्क्वायर कर लेंगे। तो एस वन आपको 3 दिया है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा, ये सैंपल वेरियंस वन आ गया, ठीक है। फर्स्ट सैंपल की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा तो वो कितनी आएगी, N1 माइनस 1 दैट इज कितना आएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15, ठीक। सिमिलरली अगर मैं वेरियंस निकालूंगा सेकेंड सैंपल का तो क्या आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा वेरियंस ऑफ सैंपल 2, तो क्या आएगा यहाँ पे S2 का स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरियंस मिलता है। तो S2 का स्क्वायर करा दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज कितना आएगा 4, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा इसकी तो कितनी आएगी N2 माइनस 1 दैट मीन्स कितना होगा 9 माइनस 1 दैट इज 8 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे दोनों वेरियंस में से कौन सा वेरियंस बड़ा है, तो दोनों वेरियंस में से जो सैंपल वन का वेरियंस है 9 वो बड़ा आ रहा है, तो जब हम एफ टेस्ट लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ टेस्ट लगाएंगे तो जो भी वेरियंस बड़ा आता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो गया S2 स्क्वायर। अगर S2 बड़ा आता तो S2 को ऊपर लिखते हैं और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले आती, ठीक है। अब यहाँ पे S1 स्क्वायर बड़ा है इसको ऊपर लिखा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले लिखेंगे यहाँ पे 15 और S2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 बाद में लिखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे एस वन स्क्वायर 9 है और एस टू स्क्वायर 8 है, जब मैं 9 बाय 8 करूंगा डिवाइड, सॉरी एस टू स्क्वायर 4 है, 8 नहीं है सॉरी 4 है एस टू स्क्वायर, जब मैं 9 बाय 4 करूंगा तो वैल्यू आएगी 2.23 समथिंग कुछ आएगी वैल्यू, ठीक है 2.25 सॉरी। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमको बोला अल्फा कितना 5% है, तो ये हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ की कितने लेवल पे 5% लेवल पे 15.8 पे कितनी आ गई 2.25, ये हमारी आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू है ना जो हमने कैलकुलेट करी, ठीक। अब हम क्या करेंगे टेबल की वैल्यू देखेंगे कितने पे एफ इक्वल्स टू 0.05 और 15.8 पे। तो अब यहाँ पे हमें देखिए अल्फा को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी क्योंकि जो एफ का टेबल बनता है आपने देखा होगा इसका पहले वाले वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो एफ का टेबल बनता है वो राइट टेल टेबल बनता है और ये जो एरिया रहता है हमारा ये अल्फा रहता है और यहाँ हमें मिलता है एफ अल्फा न्यू 1.2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ठीक है। तो हमारा अल्फा यहाँ पे कितना है 0.05 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हमारे हम देखे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे है 15.8 और अल्फा कितना है यहाँ पे 0.05, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू अगर मैं टेबल से देखूं तो कितनी आएगी इसकी 3.22। तो आपको यह करना है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाले टेबल पे न्यूमरेटर मतलब कॉलम कॉलम वाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना 15, रो वाइज डिग्री ऑफ फ्रीडम देखना 8 और दोनों के इंटरसेक्शन पे देखना 3.22 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3.22 आ जाएगी, ठीक है। अब हम डिसीजन लें तो हम देखते हैं जो कैलकुलेटेड एफ है और देखे हम टेबुलेटेड एफ है, तो कैलकुलेटेड एफ क्या आ रहा है यहाँ पे छोटा आ रहा है किससे टेबुलेटेड एफ से, इसका मतलब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ठीक है जो कैलकुलेटेड एफ है वो 2.25 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है जो टेबुलेटेड एफ से कैसा आ रहा है छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा रिजेक्ट नहीं होगा दैट मीन्स एक्सेप्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वेरियंस है ब्रांड बी का वो ज्यादा नहीं है किससे ब्रांड ए से, मतलब दोनों का वेरियंस कैसा आ रहा है यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ टेस्ट के क्वेश्चंस थे इसमें हमने दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे 110 210 टेस्ट के और इसमें हमने तीन वेरियस अलग अलग क्वेश्चंस देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।